हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम हिंदी पढ़ेंगे स्वर लेखन। स्वर लेखन में आज हम देखेंगे शब्द एवं वाक्य रचना। ये आपकी कॉपी है या आपका नोटबुक है तो आप इसको निकालेंगे और खोलेंगे पेज नंबर। ये पेज नंबर मिलेगा आपको गृहकार में। हमने एक ही मात्रा में स्टार्ट किए हैं तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जितने भी वर्क में आप देखेंगे ऊपर लिखा है गृहकार्य। ये आपका घर का काम, इसको आपको अपने मन से करना है। तो हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पर चित्र पहचान कर सही स्थान पर एक ही मात्रा लगाइए। तो आपको चित्र पहचान कर क्या करना है, सब पर एक ही मात्रा लगाना है। जैसे ये कौन सा पिक्चर दिख रहा है आपको, ये कौन सी तस्वीर है, ये रेल है। तो रेल कैसे लिखेंगे हम, रे। तो रा लिखा है उस पर एक ही मात्रा लगाना है। तो यहाँ पर ये देखिए हम एक ही मात्रा लगा दिए हैं रा पे, एक ही मात्रा, रे ल रेल। ऐसे ही बाकी पिक्चर्स को पहचान कर आपको एक ही मात्रा लगाना, ये आपका गृह कार्य है। तो अपने मन से इसको करना है आपको। और नेक्स्ट पेज देखेंगे, पेज नंबर 53। ये क्या है, शब्दों में एक ही मात्रा लगाइए, ये भी आपका गृह कार्य है। इसमें भी क्या करना है आपको, एक ही मात्रा लगाना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प ह ला पे बड़ी मात्रा ली, पह ली। तो यहाँ पर जब हम लगाएंगे क्या हो जाएगा, अगर हम पापर एक मात्रा पे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इसको एक बार लगाकर चेक करते हैं, इसके बाद हम आगे किसी भी नंबर में हम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जब हम पापर लगाएंगे मात्रा तो वो क्या हो जाएगा, एक बार हम लगा देते हैं पापर और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे पापे एक मात्रा पे ह पे ला पे बड़ी मात्रा ली पे ली। ये कोई वर्ड नहीं है, ये ऐसा वर्ड नहीं है जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। तो ये हम मात्रा लगाकर चेक करेंगे, ये वर्ड गलत आ रहा है तो इसको हम मात्रा नहीं लगाएंगे। अब किस नंबर पर हम मात्रा लगाएंगे, सॉरी किस अक्षर पर मात्रा लगाएंगे, हम हा पर लगा कर देखेंगे। क्योंकि हमने पा पर लगा लिया मात्रा, ये वर्ड गलत हो रहा है, सही इसका मतलब निकल नहीं रहा है। तभी हम हा पर लगा कर देखेंगे और अब पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प हा पर एक ही मात्रा हे पहे ला पे बड़ी मात्रा ली पहे ली। तो ये बिल्कुल एक करेक्ट वर्ड है, एक सही शब्द है जिसका मतलब भी होता है पहेली। जो लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, ये पहेली होता है जिसमें लोगों को गेस करके आंसर बताना रहता है। तो ये बिल्कुल एक सही वर्ड, सही शब्द बन गया है। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही इसके सामने लिखना है पहेली। ये क्या है, दरा दर्द, यहाँ पर आपको बनाना है एक ही मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा देर। ऐसे ही सारे शब्दों में आप एक ही मात्रा लगाएंगे और इसके बाद इसको भी आपको अच्छे से लिखना है। ओके, आते हैं पेज नंबर 54 पर। ये भी आपका गृह कार्य, चित्र को उसके सही नाम से मिलाइए। इसमें क्या करना है, बस और सिर्फ आपको मैच करना है। जैसे देखेंगे यहाँ पर ये पिक्चर क्या है, केक का पिक्चर है। तो आपको केक को केक से क्या करना है, मिलाना है। जैसे यहाँ पर के, तो का पे एक ही मात्रा के क, आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो केक को केक से, ये क्या है चेहरा, तो चेहरा को चेहरा से, सेब को सेब से, भीड़ को भीड़ से। तो ये सारे पिक्चर्स को उनके शब्दों से मिलाना है, ये आपका गृह कार्य है, मीन्स होमवर्क है। आते हैं नेक्स्ट पेज, कक्षा कार्य। यहाँ पर आप देखेंगे एक ही मात्रा वाले शब्द, ये आपका कक्षा कार्य मीन्स क्लास वर्क है। तो इसको हम एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम लिखेंगे। ओके, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है, म हा पर एक ही मात्रा है श, म हे श, क्या हो जाएगा महेश। रा पे एक ही मात्रा रे ल रेल। सा पे एक ही मात्रा से महेश रेल से। का पे एक ही मात्रा के र ल के रल। जा पे आ की मात्रा जा महेश रेल से केरल जा। ये एक ही मात्रा से बने वाक्य हैं। तो यहाँ पर हमने देखा महेश में एक ही मात्रा है, रेल में एक ही मात्रा है, से में एक ही मात्रा है और केरल में एक ही मात्रा है। तो यहाँ पर हम जब जिस मात्रा का हम वर्ड, जिस मात्रा से बने हम शब्द पढ़ते हैं तो उसी मात्रा की ही आवाज़ निकलती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे महे, एक ही आवाज़ निकल रही है ना, रेल यहाँ पर भी एक ही आवाज़ निकल रही है। तो ये सारे वर्ड्स आपको अपने घर पर भी ऐसे ही पढ़ना है जैसे आपको यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं। अब आपको पता है क्या करना है, पढ़ने के बाद आपको जितने भी नीचे लाइन खाली लाइन दिख रहा है इसको आपको लिखना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है पॉइंट पॉइंट, इसको आपको दोहराना है मीन्स स्ट्रेस करना है। ओके, ये पूरा आपको लिखना है। और इसके बाद देखेंगे गृह कार्य, केशों मेले से जलेबी ला। यहाँ पर लिखा है केशों मेले से जलेबी ला, ये आपका गृह कार्य, इसको भी आपको लिखना है। ओके, ये सारे वर्क आपको कंप्लीट करना है। आज आपके पास 2 दिन का टाइम है, आज का और कल का। तो इन 2 दिनों में आपको पूरा वर्क कंप्लीट करके ग्रुप पर सेंड करना। ओके, थैंक यू।